कभी कभी जिंदगी में कुछ ट्रेजेडीज भी फायदेमंद साबित हो जाती हैं। क्या सीमा बुआ का आहन को बेइज्जत करना बढ़ा देगी शनाया और आहन के बीच नजदीकियां? और क्या कीमत वसूलेगी सीमा बुआ यामिनी जी के राज को राज रखने की? भाभी, वो नई कार, वो ऑडी मेरे बेटे को दे दो, और जब शनाया वापस आए तब उससे कहना कि मेरे पास 25 लाख रुपए कैश ले आए। क्योंकि मिसेस यामिनी गिल के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, उन्होंने चुपचाप हामी भर दी। उनकी हामी को जानने के बाद सीमा बुआ जी मन ही मन में मुस्कुराते हुए बोली, अरे वाह, अब तो मेरे पास एक महंगी कार भी है और ढेर सारा पैसा भी। ये निकम्मा आहान तो मेरे लिए बड़ा लकी निकला। अब जब तक मेरे पास वो राज है तब तक मेरी जिंदगी आराम से कटेगी। जहां एक तरफ कोई आहान की वजह से खुशियां मना रहा था, आहान थोड़ा डिप्रेस महसूस कर रहा था। आहान ने कभी भी मिसेस यामिनी गिल की कड़वी बातों को दिल पर नहीं लिया था, मगर आज उसे वो बहुत चुभ गई थी। तभी शनाया अपने बिल्डिंग से बाहर आई। उसने आहान की उदास आंखें देखी। मैं बहुत बड़ी बेवकूफ हूँ, उसका दिल बहुत साफ है। तभी तो खुद से ही पहले वो मेरे और मॉम डैड के बारे में सोचता था। एकदम से शनाया को आहान का चेहरा याद आया और वो भागकर आहान के पास चली गई। शनाया ने उसे हग कर लिया। शनाया, क्या हुआ, क्या आप ठीक हैं? आहान, आई एम सॉरी। पता नहीं घुटनों के बल बैठकर उस नालायक रतन से माफी मांगने की बात को तुमने चुपचाप कैसे सुन लिया। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो वो सब सहन नहीं कर पाती। मैं ठीक हूँ, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, याद है ना, हम दोनों एक टीम है। तुम्हें मेरे सामने ठीक होने का दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं शर्मिंदा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। शनाया, आपको मुझे कभी भी सॉरी नहीं कहना है, आप कुछ गलती कर ही नहीं सकती। लेकिन मॉम की तो गलती है ना, उन्हें तुम्हारे साथ ऐसा पेश नहीं आना चाहिए था। शनाया अपना और आहान का मूड खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने आहान की आगोश से अपना सर बाहर निकाला और पूछा, तो आज रात हम कहां रहने वाले हैं? हम? शनाया, इस सब की कोई जरूरत नहीं है। मॉम ने मुझे घर से निकाला है, आपको नहीं। आपको मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। और घर लौट? बिल्कुल नहीं। अगर मॉम तुमसे माफी मांगकर तुम्हें घर वापस आने का नहीं कहेंगी तो मैं भी घर नहीं लौटूंगी। तो फिर हम रोजवुड स्प्रिंग में चलते हैं। जब से आहान ने वो बंगलो खरीदा था, उसे वहां रहने का एक मौका भी नहीं मिला था। वो चाहता था कि शनाया को वो उसके अपने घर में ले जाए, लेकिन इस वक्त शनाया कुछ और ही फील कर रही थी। उसे कंफ्यूज होकर आहान से कहा, रोजवुड स्प्रिंग, वहां पर तो कोई होटल नहीं है, सिर्फ बंगलोज हैं। हम होटल में क्यों रहेंगे? हम होटल में नहीं रहेंगे तो कहां रहेंगे, रास्ते पर? आप भी ना शनाया, क्या जरूरत नहीं है, हम बंगलो में रहेंगे। आहान की बात सुनकर शनाया ने नाक सिकुड़ ली। आहान, अब मुझे चिढ़ाना बंद करो, तुम्हें ब्रैग करने की कोई जरूरत नहीं है। रोजवुड स्प्रिंग में 9 बंगलो हैं और वो 9 के 9 बेचे जा चुके हैं, हमारे लिए वहां कोई जगह नहीं है। शनाया, क्या आपको लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूं? मैं सच कह रहा हूं, रोजवुड स्प्रिंग में मेरा एक बंगलो है, बहुत बड़ा, बहुत खूबसूरत, वैसा जैसे आपको पसंद आएगा। आहान ने अपनी बात बहुत ही जेन्युइन अंदाज में कही थी। वो ये कोशिश कर रहा था कि शनाया को उस पर यकीन आ जाए, लेकिन एक बार फिर आहान की बात को शनाया मजाक समझकर बोली, हाँ आहान, तुम ये क्यों नहीं कहते हो कि पूरा स्प्रिंग कॉर्पोरेशन ही तुम्हारा है, अब चलो। अपनी बात कहते हुए शनाया ने आहान का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर अपने साथ ले जाने लगी। आहान कुछ कहना तो चाहता था, लेकिन उसने अपनी बात को मन में ही रहने दिया। आहान ने दिल ही दिल में कहा, अब मैं शनाया से जो भी कह रहा हूं आपको जोक ही लग रहा है, अब तो कुछ कहने का क्या फायदा। लेकिन सच तो ये है कि असल में पूरा स्प्रिंग कॉर्पोरेशन ही मेरा है। खैर जाने दो, अब मेरा मजाक उड़ाना बंद करो। आज रात हम रूपल के घर चलते हैं, उसका घर बहुत बड़ा है और वो वहां अकेली ही रहती है, वो हम दोनों को वहां रहने के लिए मना नहीं करेगी। वैसे तो शनाया ने जब रूपल के घर जाने को कहा, आहान थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया, लेकिन शनाया की खुशी के लिए वो कुछ भी करने को तैयार था।
कुछ देर चलने के बाद अहान और शनाया ने टैक्सी रोकी और रूपल के घर जाने लगे। टैक्सी में बैठने के बाद जब शनाया ने रूपल को अपने आने की खबर दी तो उसे सब कुछ बता दिया। कुछ देर के बाद वो दोनों रूपल के घर के बाहर थे। शनाया और आहान एक दूसरे की तरफ देखते हुए खड़े थे। इस पौधे को उठाने में मेरी मदद करो, इसके नीचे एक स्पेयर चाबी रखी हुई है। वो पौधा थोड़ा ज्यादा ही भारी था। उसे उठाने की कोशिश करते हुए आहान और शनाया थोड़े नजदीक आ गए, लेकिन हमेशा की तरह इस बार शनाया नर्वस नहीं हो रही थी, बल्कि उसके आहान की तरफ देखकर स्माइल किया। क्या आज शनाया अपने दिल की बात कह पाएगी? क्या आहान और शनाया का रिश्ता आगे बढ़ पाएगा, या फिर से कोई बीच में आ जाएगा? रूपल के घर में आहान के अगले कुछ दिन कैसे बीतने वाले थे, जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और सीक्रेट अमीरजादा के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम।